नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में रहेगा खासा असर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने के आसार। उत्तराखंड में तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करें तो राजस्थान में तैयार मेथी फसल की भी कटाई कर लें। और चलिए अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले दो दिन कहां कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दो दिनों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी दो दिन कुछ स्थानों में बारिश का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी दो दिन कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दो दिनों में बादल बरस सकते हैं। इसी तरह पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी आने वाले दो दिनों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले दो दिनों में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में आने वाले दो दिनों में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है, लेकिन गुजरात में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में दो दिन बारिश की उम्मीद है। इसी तरह कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में मंगलवार को कुछ जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नहीं है, लेकिन ओडिशा में अगले दो दिन हल्की बारिश की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कल तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन हल्की बरसात का अनुमान है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कल कहीं कहीं बारिश का अनुमान बना हुआ है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और माहे में आने वाले दो दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मंगलवार को कुछ जगह बारिश के आसार हैं। रायलसीमा में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में दो दिन बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। अंडमान निकोबार में बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप में मंगलवार को बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पंजाब के किसान सूरजमुखी, भिंडी और बेल वाली सब्जियों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और टमाटर के पौधों की रोपाई करें। राजस्थान के किसान तैयार सरसों फसल की कटाई करें। यहाँ के किसान मूंग की बुआई और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में भिंडी और फ्रेंच बीन की बुआई करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।